आज मैं आप लोगों के लिए दो न्यूली लॉन्च शू लेकर आया हूँ एशियन के, जिसमें से एक है एशियन का फ्यूजन 02 और दूसरा है हैट्रिक 51। दोनों को डिटेल में समझ लेते हैं, पर उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन अगर आप लोगों को मेरी कोई भी वीडियो मिस आउट ना करनी हो। तो सबसे पहले दोनों की अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। तो काफी डिफरेंट बॉक्स मिलेगा आप लोगों को दोनों ही शूज के साथ। तो ये है फ्यूजन 02 और ये है हैट्रिक 51। दोनों के साथ आप लोगों को एक कैरी बैग भी मिलता है। अब दोनों शू के अगर मैं डिजाइन या फिर लुक्स की बात करूं तो स्पेशली मुझे यहाँ पर फ्यूजन 02 का डिजाइन और लुक वाइज मुझे बहुत ही तगड़ा लगा। स्पेशली मैंने यहाँ पर फ्यूजन 02 के दो डिफरेंट कलर मंगाए। एक है ब्लू वाला, जो कि आप लोग देख सकते हो काफी सही लग रहा है। स्पेशली यही वाला कलर मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा। इवन हैट्रिक 51 की बात करूं तो यहाँ पर भी मुझे ब्लैक वाला कलर ज्यादा पसंद आया व्हाइट वाले से। अब हैट्रिक 51 की एक चीज आप लोगों को बहुत ही सिंपल और अच्छी लगेगी, वो एक इसका जो पैटर्न है उसको डेली यूज वाला बना रखा है। मतलब इलास्टिकेटेड पैटर्न दे रखा है, जिसको आप लोग बहुत इजीली पहन सकते हो, निकाल भी सकते हो। तो अगर आप लोग डेली यूज करें तो ये वाले शूज को सबसे ज्यादा प्रेफर करें। स्पेशली अगर मैं फ्यूजन 02 के डिजाइन की बात करूं तो यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंट पैटर्न्स मिल जाएंगे, जैसे कि छोटे छोटे लाइनिंग पैटर्न्स दे रखे हैं, होल्स पैटर्न दे रखे हैं सब जगह पर। एंड एडिशनली जो व्हाइट वाला कलर है उसमें आप लोगों को थोड़ा बहुत नियॉन कलर का टचअप मिल जाएगा, जो कि काफी ज्यादा अट्रैक्टिंग है। वहीं अगर मैं हैट्रिक 51 की बात करूं तो इसको काफी सिंपल एंड प्लेन डिजाइन कर रखा है। मेनली आप लोगों को पूरे होल्स पैटर्न मिल जाएंगे एंड जो साइड टचिंग है उसमें पूरे लाइनिंग पैटर्न्स को डाला गया, तो लुक वाइज ये भी मुझे काफी सिंपल और प्लेन लगा है। यहाँ पे पीछे के साइड आप लोगों को एशियन की ब्रांडिंग मिल जाएगी एंड सेम ये वाले जूते में भी आप लोगों को कुछ इस तरफ ब्रांडिंग मिल जाएगी। वहीं अगर मैं इनके मटेरियल की बात करूं तो फ्यूजन 02 में पूरा नीटेड अपर दे रखा है, क्वालिटी काफी डिसेंट प्रोवाइड कर रखी है। एंड वही अगर मैं हैट्रिक 51 की बात करूं तो पूरा जो अपर है वो फैब्रिक में दे रखा है। और एक और चीज जो कि हैट्रिक 51 में अलग दे रखी है वो है कि यहाँ पर पूरा सी थ्रू नेटिंग कर रखी है, तो जो भी आपका सॉक्स का कलर होगा वो थोड़ा बहुत विजिबल रहेगा। तो ये एक चीज मुझे यहाँ पर थोड़ी सी बेकार लगी है, पर हाँ पहनने पर ये फिर भी सही लगेंगे। वहीं अगर मैं इनके बैक सोल मटेरियल की बात करूं तो आप लोगों को दोनों में सेम टाइप का रबर मिल जाएगा, क्वालिटी काफी सही दे रखी है। थोड़ा बहुत पैटर्न में डिफरेंस आता है, जैसे कि फ्यूजन 02 में यहाँ पर एडिशनल लेयर दे रखी है टीपीआर की, जो कि बहुत ज्यादा ग्रिपिंग में हेल्प करता है एंड स्टेबिलिटी में थोड़ा बहुत पुश करेगा। वहीं अगर मैं हैट्रिक 51 की बात करूं तो यहाँ पर ऐसा कोई भी टीपीआर की लेयर तो नहीं दे रखी है, पर हाँ थोड़े बहुत डिफरेंट पैटर्न्स दे रखे हैं, डिजाइन दे रखी है, जो कि नॉर्मल सी ग्रिपिंग आप लोगों को प्रोवाइड करता है। एक जो खास चीज आप लोगों को हैट्रिक 51 में मिलेगी वो है नाइट्रो कैप्सूल। अब ये चीज आप लोगों के हर स्टेप पर प्रेस होगी और कंफर्ट को बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगा। और कंफर्ट की बात आई गई तो दोनों में आप लोगों को मेमोरी फॉर्म मिल जाता है। मेमोरी फॉर्म की क्वालिटी भी काफी सही दे रखी, काफी सॉफ्ट सा दे रखा है, आप लोग देख सकते हैं अगर मैं इसको प्रेस करूं तो काफी ज्यादा सॉफ्ट। एडिशनली आप लोगों को फ्यूजन 02 में थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंफर्ट मिलेगा, क्योंकि आइट साइड भी फॉर्म की पैडिंग कर रखी है, तो जो साइड वाला पोर्शन है उधर भी आप लोगों को एक्स्ट्रा कंफर्ट फील होने वाला है। अब यही सेम चीज आप लोगों को हैट्रिक 51 में नहीं मिल पाएगी, क्योंकि यहाँ पर पूरा इलास्टिक दे रखा है। सिमिलरली अगर मैं इन दोनों ही शू के वेट की बात करूं तो हैट्रिक 51 आप लोगों को मात्र 200 ग्राम का पड़ेगा, मतलब बहुत ही ज्यादा लाइट वेट शू है। एंड वही अगर मैं फ्यूजन 02 की बात करूं तो ये पड़ेगा कुछ 320 ग्राम का, जो कि ना तो बहुत ज्यादा लाइट वेट है ना ही एकदम हैवी कंसिडर कर सकते हैं, एकदम बीच में लाया करता है। तो नॉर्मली अगर आप लोगों को वॉकिंग वगैरह करना है, थोड़ी बहुत स्पोर्ट्स एक्टिविटी करना है तो इसमें कर सकते हो। बाकी हैट्रिक 51 तो इतने लाइट वेट दे रखें कि आप लोग किसी भी एक्टिविटी में यूज कर पाओगे। अब लाइट वेट दे रखे तो ऑब्वियस सी बात है कि फ्लेक्सिबिलिटी में भी ये बहुत सही होंगे, तो आप लोग लाइव भी देख सकते हो कि शूज कितने ज्यादा फ्लेक्सिबल है। इसे मैं कहीं से भी फ्लेक्स कर रहा हूँ, फ्रंट से कर रहा हूँ फिर बैक से कर रहा हूँ, तो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। कंपैरेटिवली फ्यूजन 02 मुझे यहाँ पर थोड़े से कम फ्लेक्सिबल लगे, पर हाँ फिर भी इसके वेट के हिसाब से मुझे सही लगे। वहीं अगर मैं इनके आउटडोर टेस्ट की बात करूं तो नॉर्मल वॉकिंग वगैरह में तो दोनों ही शूज ने काफी अच्छा कंफर्ट दिया था, स्पेशली फ्यूजन 02 यहाँ पर ज्यादा कंफर्टेबल है। और तो और अगर मैं रनिंग की बात करता हूँ तो दोनों ही शूज को आप रनिंग में नहीं यूज कर सकते हो, मतलब अगर आप लोगों को लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करना है तो वहां पर ये बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं है। पर हाँ अगर आप लोगों को शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग करनी है, थोड़ा बहुत जॉग करना है, तो वहां पर ये बहुत सही रहेंगे। एंड फिटिंग के मामले में भी ये शू एक्जैक्टली फिट थे मेरे साइज से, एज सच कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। अब आ जाते हैं एट दी एंड हम इनकी प्राइसिंग एंड वर्डिक्ट के ऊपर। तो हैट्रिक 51 पड़ा था मुझे कुछ 900 रुपए का, और जो फ्यूजन 02 है वो पड़ेगा आप लोगों को कुछ 1200 रुपए का। लिंक जो है आप लोगों को दोनों ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहीं अगर मैं इनके वर्डिक्ट की बात करूं तो फ्यूजन 02 और हैट्रिक 51 दोनों ही कंप्लीटली डिफरेंट शू है। तो अगर आप लोग फ्यूजन 02 लेने का सोच रहे हैं तो मुझे काफी कंफर्टेबल लगे, मटेरियल क्वालिटी सब कुछ बहुत सही दे रखा है। एंड वहीं अगर मैं हैट्रिक 51 की बात करूं तो कंपैरेटिवली इसमें थोड़ी सी क्वालिटी लो प्रोवाइड कर रखी है, पर 900 रुपए के हिसाब से मुझे फिर भी सही लगे। एंड एडिशनली आप लोग इन शू को डेली वेयर में यूज कर पाओगे, कैजुअली ये बहुत सही रहेंगे। और जो कलर्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रखे हैं, जैसे कि फ्यूजन 02 हैट्रिक 51 में आप लोगों को काफी डिफरेंट कलर्स भी मिलते हैं, तो अगर आप लोगों को वो पसंद आ रहे हैं तो आप लोग उसे भी परचेस कर सकते हैं। लिंक जो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी के लिए बस इतना ही, मैं आप लोगों के लिए और भी ऐसे ही कंटेंट लाता रहूंगा, तो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब माय चैनल। एंड स्पेसिफिकली अगर आप लोगों को कोई भी शू रिव्यू करना है तो आप मुझे कमेंट में जरूर से बताइए। मिलता है आप सभी से अगली वीडियो में।